नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष। मुखिया जी, आपके वार्ड में, हर वार्ड में जो है नल जल का पानी चालू है। वार्ड मेंबर के जो है वो लोग बता रहे थे कि हम मुखिया जी को 10% कमीशन दिए, क्या ये बात सच है मुखिया जी? ये सब गलत है। मुखिया जी के ऊपर चुनाव को लेकर आरोप लगाया जा रहा है, चुनावी रंजिश से है, ऐसा कोई मैटर नहीं है। ग्रामीण जो है कुछ आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि हमारे मुखिया जी जो हैं 10% वार्ड से कमीशन लेते हैं, हमारे यहाँ नल जल का जो पानी है टाइम से सप्लाई नहीं होता है, इस पर आपका क्या कहना है? ना होता है, कहेंगे कोई चीज टेक्निकल अपना बना जाइएगा, कलेपुर जाएगा तो बंद तो रहता है जी, उसको जाकर बनाता है, रिपेयरिंग करता है तो चालू होता है, तो चालू हो जाता है। टेक्निकल फॉल्ट के कारण ऐसा हो सकता है कि एक आध दो दिन के लिए पानी डिस्टर्ब होता हो, लेकिन मुखिया जी का कहना है कि ऐसा कोई फॉल्ट है नहीं, परमानेंट कोई फॉल्ट नहीं है, हर जगह जो है नल जल चालू है, काम बहुत बढ़िया से हो रहा है। जो इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं चुनावी रंजिश से है, चुनावी रंजिश के लेकर मुखिया जी जो है पिछले बार में जो है 93 वोट से जीते हैं और इस बार में ग्रामीण जो है इन्हीं को मुखिया बनाना चाहता है, इसीलिए इनका प्रतिद्वंदी जो है इनके ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि ताकि मुखिया जी फंस जाए और उनको जो है चुनाव जीतने का मौका मिल जाए। हमारे बीजेपी प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्ट से पता चलता है कि यहाँ पे जो है मुखिया जी का काम बहुत अच्छा रहा है, मुखिया जी का काम बहुत सराहनीय रहा है। इनके ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं सब बेबुनियाद हैं, किसी तरह का इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है,